राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में दो सीटों पर पंचायत चुनाव हुए, लेकिन इस पंचायत चुनाव में वसुंधरा राजे को बहुत ही बड़ा झटका लगा और उनका जहां जो गढ़ है वहां पर बीजेपी का सोपड़ा साफ हो गया। बीजेपी को जिस तरह से झटका लगा और कांग्रेस ने जिस तरह से धूल चटाई, ये बताता है कि राजस्थान में इस वक्त सचिन पायलट के नाम का डंका बज रहा है। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में कुछ समय पहले चुनाव के दौरान अच्छा प्रदर्शन भी किया था और सचिन पायलट की जो प्रभावी वाले क्षेत्र थे वहां पर कांग्रेस ने अच्छी पकड़ बनाई थी। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस का जिस तरह से राजस्थान में जो दबदबा बनता हुआ जा रहा है, इसके पीछे सचिन पायलट की कड़ी मेहनत और सचिन पायलट का जनता के प्रति विश्वास है। मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक सचिन पायलट अब जनता को अपनी तरफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद हद तक सचिन पायलट जनता को अपनी तरफ भी कर चुके हैं। यही वजह है कि पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी की स्थिति अब बहुत ही नाजुक होती हुई जा रही है। सचिन पायलट जिस तरह से राजस्थान में अपना दबदबा बनाते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरह से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत को भी अब जल्द ही सीएम पद से हटाया जा सकता है और उनकी जगह सचिन पायलट को कहीं ना कहीं राजस्थान की कमान भी सौंपी जा सकती है। और जनता तो यही चाहती है कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि सचिन पायलट का जिस तरह से जनता के प्रति विश्वास और सचिन पायलट जिस तरह से जनता के नेता बने हुए हैं, उसको देखते हुए जनता ये कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा उलटफेर राजस्थान में देखने को मिलता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।